एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर हमारा द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग था, उस वीडियो में मैंने आपको एक वर्कशीट अपलोड की थी। उस वर्कशीट के रिगार्डिंग बहुत सारे पेरेंट्स के मैंने कमेंट पढ़े थे, और वैसे तो मैंने अपना कमेंट है, मैसेज है, वो अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूँ कि जो भी काम आपको करना है वर्कशीट के रिगार्डिंग या डायग्राम के रिगार्डिंग, पहले तो वर्कशीट के रिगार्डिंग जो भी आपको काम करना है वो एक आप सेपरेट रफ नोटबुक में इस काम को कर लीजिए। रफ मीन्स ये नहीं है कि रफली उसको करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। और सेकंड थिंग, आपको डायग्राम के लिए आपको कोई भी, या तो आपके पास ए फोर साइज़ की सीट अवेलेबल है देन ओके, अगर नहीं है कोई भी आप वाइट पेज ले लीजिए, उसमें डायग्राम को ड्रॉ करिए, प्रॉपर तरीके से उसको लेबल करिए, कलर करिए। व्हेन द स्कूल विल रीओपन, वी विल पेस्ट दीज डायग्राम्स इन आवर फेयर नोटबुक। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट द अनदर चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आई होप इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर। ओके, ग्लोब, व्हाट इज ग्लोब? द अर्थ इज स्लाइटली बल्जिंग एट द इक्वेटर। इक्वेटर के पास जो अर्थ होती है दैट वॉज बल्जिंग, बल्जिंग मीन्स ऊपरी हुई होती है, एंड फ्लैटन एट द पोल्स, और नियर द पोल्स इट वॉज फ्लैट। एंड वी कंसिडर द शेप ऑफ द अर्थ एज अ स्फीयर, लाइक अ बॉल। और जो ये शेप होता है अर्थ का, हम उसको क्या कहते हैं? स्फीयर कहते हैं, या एक बॉल की तरह शेप हम उसे कहते हैं। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। ऑन द ग्लोब वी कैन लोकेट द कंट्रीज, वी कैन सी द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशन आर सोन इन देयर करेक्ट साइज। लेट अस सी द ग्लोब। ग्लोब अर्थ इज, स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको कि अर्थ कैसी है, दैट इज स्लाइटली बल्जिंग एट द इक्वेटर। ये इक्वेटर है, इट इक्वेटर के पोर्शन में इट वॉज बल्जिंग, बल्जिंग मतलब ऊपरी हुई, एंड इट वॉज फ्लैट। जो पोलर एरियाज है हमारी, वहाँ पे कैसी है? ये फ्लैट है। इट इज बल्जिंग नियर द इक्वेटर एंड फ्लैट नियर द पोल्स। दिस वन इज अवर नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज अवर साउथ पोल। एंड द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ स्फीयर, लाइक अ बॉल। और ये ग्लोब, ग्लोब क्या होता है? इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। और जो ग्लोब होता है हम उसमें क्या देखते हैं? जितने भी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट हैं, ओशंस हैं, इनको इसमें इजीली इनमें लोकेट किया जाता है। ऐसे जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो इस तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें नाइदर है कॉर्नर एंड साइड, इसमें ना तो कोई कॉर्नर और साइड होती है, नॉर टॉप एंड बॉटम। क्लियर? सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। इसमें एक प्लेस को लोकेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो इन ऑर्डर टू नो द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, अब हमें किसी भी प्लेस की, अगर हमें उसकी डायरेक्शन को जानना है, पहचानना है, उसकी लोकेशन को पहचानना है, हाउ कैन वी लोकेट दिस प्लेस, तो उसके लिए क्या है? वी हैव डेवलप सर्टेन पॉइंट और लाइन। हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स और लाइन डेवलप की हैं विच आर हेल्प टू लोकेट अ प्लेस एंड फाइंड आउट, उस प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें वो हमारी हेल्प करते हैं। इन पॉइंट्स और लाइंस की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को ईजिली लोकेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ इमेजिनरी। जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, जो कि क्या है? एक इमेजिनरी है। द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स। जो एंड पॉइंट है एक्सिस के, उनको क्या कहा जाता है? पोल्स कहा जाता है, द नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल। लेट अस सी द ग्लोब वंस अगेन। सी, दिस इज ग्लोब। फर्स्ट आई टोल्ड यू कि जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट, दिस वन इज एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या है? एक्सिस क्या होती है? कि अ नीडल इज फिक्स्ड। सी, अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। ये टिल्टेड है, टिल्टेड मीन्स झुका हुआ है। ये एक टिल्टेड मैनर में एक यहाँ पे नीडल फिक्स कर दी जाती है ग्लोब में, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं।
और जो एक्सिस पे फर्स्ट पॉइंट आई विल टोल्ड यू द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, एंड एंड दिस वन एज एन इमेजिनरी. क्लियर. सेकेंड थिंग, द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल. ये दिस दीज आर द एंड पॉइंट. दिस वन इज साउथ पोल एंड दिस वन इज नॉर्थ. ये एंड पॉइंट है और इनको क्या कहा जाता है, इसको अब हम साउथ पोल कहते हैं और इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं. नाउ इक्वेटर, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स. एक दूसरी इमेजिनरी लाइन होती है ग्लोब में, जो क्या करती है, ग्लोब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. वो पार्ट्स क्या हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. और ये जो लाइन है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ. ये जो लाइन होती है, इक्वेटर की जो लाइन होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए. लेट अस सी द ग्लोब वंस अगेन. सी इक्वेटर, इट इज इक्वेटर. इट डिवाइड द अर्थ टू इक्वल पार्ट्स. ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. दिस वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस वन इज सदर्न हेमिस्फीयर. क्लियर. और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. हम किसी भी प्लेस को इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लेस को लोकेट, हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसको ईजिली लोकेट कर सकते हैं. सच एज, जैसे देखिए, अगर हम जानना, मैं आपसे पूछूँ कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, अब नाउ यू कैन एबल टू आंसर द इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्लियर. अगर मैं आपसे पूछूँ कि ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नाउ यू विल एबल टू आंसर द ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. क्लियर. सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव द फॉलोइंग रेफरेंसेस फॉर द डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मीन्स अब हमारे पास कुछ लाइन्स हैं, रेफरेंसेज हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. ये कौन कौन से हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड द इक्वेटर. एंड क्लियर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ओके, थैंक यू. 2 मिनट.